हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोरोबी। स्वागत है आप सभी का मोमटियारा में। आज मैं बनाऊंगी चोको चिप कुकीज़, जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और खाने से ज़्यादा इसे बनाना बहुत इजी है और बहुत झटपट बन जाता है ये चोको चिप कुकीज़। तो चलिए इसे बनाते हैं। मैं इसे बिना ओवन के आप कैसे बना सकते हो कुकर में वो भी बताऊँगी, और ओवन में कैसे आप बना सकते हो वो भी बताऊँगी। तो चलिए बनाते हैं चोको चिप कुकीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने घी लिया है। घी यहाँ पे मैंने 100 ग्राम लिया है। आप चाहे तो घी की जगह पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और ये शुगर है, पाउडर शुगर, जो भी 100 ग्राम है। नॉर्मल से शुगर को आप मिक्सी में पीस के पाउडर शुगर बना सकते हो। और अभी शुगर और घी को हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेना है इसको। अभी इसको हम अलग से रख देंगे और एक बोल ले लेंगे। और मैं इसमें मैदा ले रही हूँ। मैदा यहाँ पे मैं 1.5 कप ले रही हूँ। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। एक पिंच ऑफ सॉल्ट। अभी सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। एक स्पून की मदद से मैं यहाँ पे मिला रही हूँ। अच्छे से मिलाने के बाद इसमें मैं घी और चीनी का जो मिक्सचर है वो ऐड करूँगी। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे हाथों के मदद से। इसको एक डो बना लेना है हमें। तो ये ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा दूध ऐड करना है। और ये डो बन गया है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ज़्यादा नरम नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं। तो इस तरह से ये डो बन गया है। अभी एक बेकिंग ट्रे लेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा घी ग्रेस कर रही हूँ। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो घी की जगह पे। ये नॉर्मल सा वाइट पेपर है, बटर पेपर नहीं है ये। और इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी मैं ग्रेस कर लूँगी। तो ये हो चुका है। ये चोको चिप्स है, आपको इजीली बाज़ार में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप कोई भी चॉकलेट लेके छोटा छोटा करके ये बना सकते हो। तो थोड़ा सा डो लेंगे, थोड़ा सा पार्ट, और इसको हाथों की मदद से इस तरह से गोल कर लीजिए, ज़्यादा गोल नहीं, बस इस तरह से। और ये जो चोको चिप्स है इसके ऊपर, इसको धीरे से हम प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर ये लग जाएगा। तो इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए। इसको बेकिंग ट्रे पे हम लगा लेंगे। तो सभी कुकीज़ के बीच में थोड़ा सा गैप रखिए, क्योंकि ये फूलेगा तो इसको जगह चाहिए। तो इसको थोड़ा सा गैप रख के इस तरह से हम सजाएंगे बेकिंग ट्रे पे। ये रेडी है। अभी मैं कुकर में कैसे बनाएंगे हम, तो कुकर का जो सीटी है वो मैंने निकाल लिया है और रबर भी निकाल लिया है। उसके अंदर ये गैस चूल्हे का एक पार्ट है जो इसके अंदर मैं दे रही हूँ, ताकि ये जो हम बर्तन जो इसमें देंगे वो ऊपर रहे। तो ये इस तरह से दे दूँगी, क्योंकि कुकर बहुत ही छोटा है तो इसमें ज़्यादा नहीं बना सकती। तो मैं इसमें 3 कुकीज़ ही बनाऊंगी। तो इसको इस तरह से हम इसके अंदर दे देंगे और कुकर को लगा के 20-30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे, बेक करेंगे। तो अभी ओवन में, ओवन को भी मैंने प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री पे। अभी
बेकिंग ट्रे जो है वो इसके अंदर दे दूंगी और इसको भी 180 डिग्री पे 20 टू 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। कभी कभी 20 मिनट्स में भी हो जाता है तो आप चेक करते रहिए। और कन्वेक्शन मोड पे इसको हम बेक करेंगे। तो ये बेक हो चुका है, अच्छे से बेक हो गया है। अभी कुकर में भी हम देख लेंगे, कुकर में भी हो चुका है। अभी निकाल लेंगे और चाय भी हमारा रेडी है, चाय भी बन चुका है। तो चाय के साथ शाम के वक्त कुकीज़ और चाय बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूर बनाइए घर पे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।